today we will start the topic chapter 4 of your English grammar book, which is pronouns. आज हम chapter 4 discuss करने वाले हैं, which is pronouns. Pronoun means a pronoun is a word that can replace a noun. नाउन को रिप्लेस करने के लिए या फिर नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. वी यूज द प्रोनाउन टू मेक आवर सेंटेंसेस लेस कंबर्सम एंड लेस रिपीटेटिव. मींस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मैं बोलूँ राम राम राम, मींस राम इज अ गुड बॉय, राम इज इन क्लास 5, राम इज डैश ईयर ओल्ड. तो अगेन एंड अगेन अगर मैं राम का यूज ना करके अगर मैं उसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज करूँ, जैसे राम माय नेम इज राम, उसके बाद राम स्टडीइंग इन डैश क्लास, तो ही इज स्टडीइंग इन डैश क्लास. राम इज अ गुड बॉय, उसकी जगह बोल सकते हैं ही इज अ गुड बॉय. तो ही शी इट दे, ये सारे वर्ड क्या है, हिम हिज, ये सारे वर्ड्स क्या है, प्रोनाउंस है. Rook is an intelligent boy. He is good at studies. His teachers admire him. So, Rook is a noun and he क्या है? He किस word को represent कर रहा है? Rook को represent कर रहा है. Rook के लिए use किया गया है he जो word है. ठीक है? So he is good at studies. कि वो studies में अच्छा है. His teachers. Admires him. So, यहाँ पे he, his and him are the pronouns. The noun which is replaced by a pronoun is also is known as its antecedent. Pronouns agree with their antecedents in gender, number or persons. Kinds of pronouns are. So, there are 10 kinds of pronouns. There are 10 kinds of pronouns. First is personal pronoun, second possessive, third is demonstrative, fourth interrogative, fifth reflexive, sixth emphasizing, seventh distributed, eighth reciprocal, ninth indefinite and tenth relative pronoun. So these are the kinds of the pronoun. So first of all we will discuss the personal pronoun, which is very simple. Okay, a personal pronoun refers to a specific person, animal or thing and changes its form to indicate person, number and gender and case. Okay, particularly किसी person को, place को या thing को identify करने के लिए हम use करते हैं. Okay, so first is personal pronoun, which is refers to specific person, animal, thing, etc. Okay, personal pronouns can be subjective or objective. ये subjective भी हो सकते हैं और objective भी हो सकते हैं. Subjective जो sentence के starting में use किए जाते हैं, subjective कहते हैं. और objective means जो last में pronouns use किए जाते हैं, उन्हें objective कहते हैं. A subjective personal pronoun indicates that the pronoun is acting as the subject of the sentence. The subjective personal pronouns are सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जो हम एज अ सब्जेक्ट यूज हम जिन्हें करते हैं. सो आई यू वी ही शी इट दे, ठीक है, दीज आर द पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स. इन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स के बेसिस पर यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज मी यू हर him, it, us and them. ठीक है, so these are objective personal pronouns जिसको as objective use किया जाता है और subjective में जिनको as subject use किया जाता है. I am talking to him. अगर मैं यहाँ एक sentence लिखूँ, I am talking to him. So it is subject. I is a subject and him is a object. So I क्या है? हमने सब्जेक्ट
सब्जेक्ट की तरह यूज किया है क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ओके एंड हिम वी यूज एज अ ऑब्जेक्ट. इसको हमने ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ऑब्जेक्टिव की तरह हिम को यूज किया जाता है. अब आप हिम से किसी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है. उसका कोई सेंस नहीं बनता है उस सेंटेंस का. तो जो वर्ड जो प्रोनाउंस जहां से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं वहां पर यूज किया जाता है उन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. और जो एट लास्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर यूज किया जाता है उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है. ओके नाउ नेक्स्ट इज अ पर्सनल प्रोनाउन. दैट इज अ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट दैट द प्रोनाउन इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है. जैसे आई एम हैप्पी टू फाइंड द टिकट्स ऑफ द फेयर. सो आई इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. शी ही सो दीस आर सब्जेक्टिव प्रोनाउन. एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इंडिकेट्स दैट द प्रोनाउन इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. वो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है. ऑब्जेक्ट की तरह शो ऑफ करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज जिस पर आपका अधिकार दिखाया जाएगा. किसी चीज पर आपका अधिकार दिखाया जाएगा कि वो चीज आपकी है, वो चीज मेरी है, वो चीज उसकी है. तो मीन्स उस पर आपका अधिकार शो होगा, आपका पोजेशन शो होगा उस पर. ठीक है. This pen is mine. So it is my phone. Means कि मेरा possession है. Means मैं इस पे मेरा क्या है? इस phone पर क्या है? मेरा अधिकार है. Possessive है. ठीक है. So mine, ours, his, hers, its, theirs, and yours. These words are including in possessive pronouns. जिन वर्ड्स को पे आप जिन वर्ड्स के द्वारा आप किसी किसी भी चीज को अपने लिए इंडिकेट करते हैं. दिस कार इज माइन, दिस कार इज योर्स, दिस कार इज देयर्स. ठीक है. तो इस तरीके के वर्ड्स को पजेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है. जिससे आप किसी चीज पर अपना हक दिखाते हो, अपना अधिकार दिखाया जाता है, उन्हें पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वन इज एंड इट इज वेरी सिंपल. थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेट? डेमोन्स्ट्रेट मींस टू शो समवन, टू शो समवन समथिंग. किसी को कोई चीज शो करना. ओके दिस इज माय पेन. तो मैं आपको शो कर रही हूँ. दिस इज माय पेन. आप किसी चीज को इंडिकेट करते हैं. टू पॉइंट सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू एन आइडेंटिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए. दिस इज माय पेन एंड दैट इज योर पेन. दिस इज माय पेन एंड दैट इज योर पेन. दीज आर माय बुक्स एंड दोज आर योर बुक्स. ओके सो दिस दैट दीज एंड दोज आर द वर्ड्स इंडिकेट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस दैट दीज तो जहां पर आप पॉइंट आउट करते हो किसी चीज को, जहां पर किसी चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है. दिस इज माय पेन, दैट इज योर पेन. दीज आर माय बुक्स एंड दोज आर योर बुक्स. सो दीज आर द वर्ड्स इज दैट दो दीज दोस. पॉइंट आउट करने के लिए हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. एंड द मीनिंग ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड टू शो समथिंग. टू शो समथिंग किसी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी चीज को दिखाना, शो करना. ओके फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव एंड वेरी सिंपल वेरी इजी. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन. एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हेल्प्स टू आस्क क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं. एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स
मीन्स डब्ल्यू एच फैमिली रिलेटेड वर्ड्स, डब्ल्यू एच फैमिली रिलेटेड वर्ड्स मीन्स whom, which एंड what. Whom do you want to meet? Which of these books is yours? Okay? To ask the questions, we use interrogative pronouns. हम interrogative pronouns को question पूछने के लिए use करते हैं. Next one is reflexive pronoun. Reflexive pronoun. A reflexive pronoun is a pronoun that is preceded by the noun or pronoun which is refers within the same cloud. Okay. Concentrate everyone. It is the important part. Reflexive means वो वहाँ पर आपको ही reflect, reflexive जो word बना है वो किसे बना है, reflect आपको ही reflect वो करता है. And the words, for example herself, himself, themselves reflect to the subject, वो subject को reflect कर रहे हैं. यहाँ पर word दिया गया है आपको, okay? यहाँ पर एक word दिया गया है आपको, she knitted herself. She knitted herself. अगर मैं यहाँ पे he लगा दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, himself हो जाएगा. ठीक है, she knitted herself a beautiful shawl. तो इसका क्या मीनिंग है कि वो अपने लिए ही क्या कर रही है, नीड कर रही है एक सुंदर सा, क्या कर रही है, एक सुंदर सा शॉल जो है अपने लिए नीड कर रही है. फॉर हर सेल्फ, फॉर अपने लिए, फॉर हिम सेल्फ, फॉर देम सेल्फ उनके लिए. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स होंगे वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं. इसको रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को. व्हाई वी कॉल्ड इट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसीलिए को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज डन. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट सिक्स्थ टॉपिक व्हिच इज द एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. एम्फसाइज, एम्फसाइज मींस किसी चीज पर जोर देना. एम्फसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर जोर देना. ठीक है, सो द एम्फसाइजिंग प्रोनाउन इज यूज्ड मेनली फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइज. क्यों यूज किया जाता है, को एम्फसाइज करने के लिए, किसी पे जोर देने के लिए. ओके, जैसे आई मायसेल्फ सॉ द डॉग अटैकिंग द बॉय, कि मैं खुद ही मींस वो अपने आप उसको अपने ऊपर क्या रहेगी, रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है, अपने आप को एम्फसाइज कर रहा है, अपने ऊपर जोर दे रहा है. आई मायसेल्फ सॉ द डॉग अटैकिंग द बॉय, वो खुद ही वो कर लेगा, वो अपने आप वो कुछ का चीज कर लेगा. तो एम्फसाइजिंग मींस के वो अपने ऊपर ही एम्फसाइज कर रहा है, अपने आप को ही एम्फसाइज वो कर रहा है, अपने ऊपर ही जोर दे रहा है. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पीपल और थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम, एक ही बार में लोगों को या चीजों को रेफर कर किया जाता है विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल ईच, इधर एंड निदर. ईच, इधर और निदर, दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड आर देयरफॉर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स. ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं ये वर्ड्स, और हमेशा इन्हें सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किया जाता है. ईच रेफर्स टू एवरीवन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन सेपरेटली. अगर बोला जाता ना ईच स्टूडेंट मतलब कि हर एक को अलग अलग क्या किया जा रहा है, एक ही वर्ड से ईच एंड एवरी बोला जाता है, ईच एंड एवरी. तो जो ईच वर्ड है वो हर एक को, एक ही वर्ड के साथ हर एक पर्सन को रेफर किया जा रहा है. मींस मैं पर्सनली सबको बोल रही हूँ विद अ सिंगल वर्ड. ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ गिफ्ट, मींस हर किसी को दिया जाएगा. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों, मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मींस डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना. ठीक है, इधर एंड इधर कैन बी यूज ओनली व्हेन स्पीकिंग अबाउट टू पर्संस. मींस जहां पर आपको कोई क्या दिया जाए, कोई ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, या तो ये या फिर वो. क्या लिखा देखो, either of the answers is correct, neither of them will get good marks. ठीक है, तो क्या बोला है कि दो लोगों के लिए, दो चीजों के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इधर और निधर को यूज किया जाता है. यू कैन यूज योर पेंसिल और
इधर यू यूज योर पेंसिल और पेन, आपको या तो पेंसिल यूज कर सकते हो या पेन यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज इनडेफिनेटिव प्रोनाउन, जहां पर कोई चीज फिक्स नहीं होती है. डेफिनेट मीन्स होता है फिक्स थिंग, बट इनडेफिनेट मतलब कि जहां पर कोई चीज फिक्स नहीं होती है. इनडेफिनेट वर्ड का मीनिंग ही होता है नॉट फिक्स. ठीक है, इनडेफिनेटिव प्रोनाउन आर दोज दैट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर. मीन पर्टिकुलरली किसी पर्सन और थिंग को फोकस नहीं किया जाता, ना ही उसको रेफर किया जाता है. इंडेफिनेट प्रोनाउंस इंक्लूड क्वांटिफायर्स, वहाँ पे क्वांटिफायर को यूज किया जाता है, जैसे सम, एनी, इनफ, सेवरल, मैनी, मच एंड यूनिवर्सल्स, ऑल, बोथ, एवरी एंड ईच. तो ईच जो वर्ड है उसे इंडेफिनेट में भी यूज किया जा रहा है और उसको उसको ऊपर भी यूज किया जा रहा था ना डिस्ट्रीब्यूटिव में. सो इंडेफिनेट, इंडेफिनेट इसका क्या मीनिंग है, वहां पर कि कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं दी गई है. वहां पर कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं दी गई है, मींस इंडेफिनेट है, फिक्स्ड कुछ नहीं है, फिक्स्ड कुछ नहीं है. एवरीवन इज लेट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, बट कौन, देयर इज नो क्वांटिटी, देयर इज नो क्वांटिटी. कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, एनीवन मींस क्या कोई आंसर कर सकता है. एक पर्टिकुलर बच्चे को नहीं रेफर किया गया है, उसको नहीं डिनोट किया गया है, बोला गया है कोई भी ले सकता है. कैन एनीवन, या कोई दे सकता है. लिटिल इज नोन अबाउट हिज अर्ली लाइफ, ऑल हैव अराइव्ड, ऑल ऑल मींस कोई, ये नहीं बताया कि कौन कौन, मींस ऑल मींस सभी. तो क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है जहाँ पर आपको कुछ फिक्स्ड क्वालिटी जो क्वांटिटी है वो नहीं दी गई है, इनको क्वांटिफायर्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप वन अनदर एंड ईच अदर. मींस वन अनदर एंड ईच अदर, जैसे वर्ड को रेसिप्रोकल वर्ड प्रोनाउंस बोला जाता है. फॉर एग्जांपल दे गिव ईच अदर गिफ्ट्स, इट इज एक दूसरे को. तो ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर आर द वर्ड्स which we include into reciprocal pronouns. The sisters were hugging one another. एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो हग कर रहे हैं, गले मिल रही हैं दोनों sisters. Okay, and the last one is relative pronoun. अनुराग focus on the relative pronoun. Relative pronouns relates a noun that comes before it to a group of words that follows and introduces a relative clause. Means किसी का दूसरे शब्द के साथ relation दिखाया जाता है. जैसे he is a boy who always obeys others. Who always obeys others. The car which, for example, the car which I drive is old. So the car which I, so which का क्या connection है, which का relation क्या है, car से relation दिखाया गया है. वो car जिसे मैं ड्राइव करता हूँ, आई ड्राइव इज ओल्ड, कि वो ड्राइव क्या है, वो ओल्ड हो चुकी है. द कार विच आई ड्राइव इज ओल्ड, कि वो कार जो वो चलाता है. तो यहाँ पे द कार का रिलेशन बताया गया है किससे, विच के साथ. ठीक है, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय हु ऑलवेज ऑबेज अदर्स. ठीक है, तो यहाँ पे ही का कनेक्शन किसे बताया है, हु के साथ कनेक्शन बताया, ही का कनेक्शन हु के साथ, कि वह लड़का, he is a boy, कि वह वो लड़का है, वो always, जो हमेशा दूसरों की आज्ञा को मानता है, दूसरे को obey करता है हमेशा. okay?